हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर है। नीट, एम्स, जिपमर, अदर्स का आप प्रिपेयर कर रहे हो तो टॉपिक है डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला जो है डिसऑर्डर क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन वो सिचुएशन है जब आपका ब्लड प्रेशर 150/90 mmHg हो जाता है। 150 सिस्टोलिक होता है, 90 डायसिस्टोलिक होता है, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या कारण है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सबसे पहला चीज़ है ओवर ईटिंग। फिर ओवर ईटिंग का मतलब जरूरत से ज़्यादा खाना खाना, फियर, डर के कारण भी हो जाता है, वरी मतलब चिंता के कारण हो जाता है, एंग्जाइटी के कारण होता है, सोरो मतलब दुखी है उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन वो सिचुएशन है जब आपके शरीर में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। 100/50 mmHg हो जाता है हाइपोटेंशन का केस में। और यहाँ पे जब हाइपोटेंशन होगा तो आपको बहुत ही नींद आएगा और आपको शरीर में लगेगा एनर्जी ही नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसको हम बोलते हैं आर्थेरोसिलेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्थेरोसिलेरोसिस। ये क्या करता है, अफेक्ट कर देता है ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि जैसे जो खून की जो नली है, जो खून का जो पाइप है, उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन कर देगा, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का हो जाता है, या फिर फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जो पैसेज होता है नली का वो छोटा हो जाता है, यानी जो लूमेन होता है, जो पैसेज होता है, छोटा हो जाता है और आर्टरीज को नेरोवर कर देता है, पतला कर देता है, सिकुड़ा देता है। एनगियोपेक्टोरोसिस, एनगियोपेक्टोरोसिस वो सिम्टम है जब आपको चेस्ट में बहुत तेज का दर्द होगा, यानी एक्यूट चेस्ट पेन होगा। ये तब होता है जब आपके मतलब शरीर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचता है ताकि वो हार्ट मसल तक पहुँच सके। जब आपके शरीर में कोई ऑक्सीजन नहीं बचता है ताकि वो हार्ट मसल तक पहुँच सके, तो आपको एक्यूट चेस्ट पेन महसूस होगा, बहुत तेज का चेस्ट पेन महसूस होगा। ये खास करके बूढ़े लोगों में, यानी मिडिल एज्ड में और बूढ़े लोगों में पाया जाता है। ये अफेक्ट करता है ब्लड फ्लो को। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर वो सिचुएशन होता है जहाँ पे कि एनफ पंपिंग नहीं की जाती है ब्लड को ताकि वो मीट कर सके बॉडी डिमांड को। हार्ट फेलियर वो सिचुएशन है जहाँ पे कि ब्लड को पंप नहीं किया जाता, इतना नहीं कर पाते हैं कि बॉडी का डिमांड को मीट कर सके। इसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण होता है, जो मेन सिम्टम है। हार्ट फेलियर डिफरेंट होता है कार्डिक अरेस्ट से, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में क्या होगा कि हार्ट स्टॉप कर जाता है बीट करना, और या फिर उसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। और जब आप हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट मसल्स जो होता है सडनली डैमेज हो जाता है। डैमेज इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी है। अदर पॉइंट्स क्या है, ब्लड फ्लो जो होता है सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम होता है ब्लड कैपिलरीज में, और जो बोलते हैं थ्रोम्बोसिस इन द ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोक। बोलते जो थ्रोम्बोसिस होता है ब्लड वेसल ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। कार्डियोमेगाले, कार्डियोमेगाले का मतलब होता है हार्ट इनलार्जमेंट। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज है, ये सारी कोर्सेज ऑनलाइन होती है। आप हमारे यहाँ क्रैश कोर्स कर सकते हैं, खाली मान लीजिए आपको बायोलॉजी का करना हो, फिजिक्स का करना हो, या केमिस्ट्री का करना हो, किसी भी एक पेपर का करना है तो 3,000 रुपये दाम है। अगर आप पूरा क्रैश कोर्स करना चाहते हैं जिसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगा तो 7,500 रुपये दाम है। अगर आप फुल लेंथ कोर्स कर रहे हैं बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का, इसका प्राइस है 7,000 रुपये। फुल लेंथ इंटायर कोर्स कर रहे हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाएगा तो 15,000 रुपये दाम है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर लीजिए 4×9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। हमारा वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप और डिटेल्स ले सकते हैं, www.medicalentrancecourse.in। हमारा ईमेल आईडी हो गया 8C3@gmail.com। थैंक यू।